फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ टमाटर की स्मोकी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 टमाटर, 1 लहसुन और 2 सूखी हुई मिर्चें ले ली हैं और इन्हें इस तरीके से धीमी गैस पे हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब मैंने चॉपर में आधा प्याज और 5 से 6 लहसुन की रोस्ट की हुई कलियाँ, 2 भुनी हुई मिर्च जो हमने अभी भुनी थी और साथ के साथ ही यहाँ पर जो हमने टमाटर रोस्ट करके रखा था हम उसे भी कट करके डाल देंगे। और अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद हम इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे। नींबू निचोड़ने के बाद हम इसमें कुछ पत्तियां धनिए और पुदीने की डालेंगे और अब हम इसे चॉपर में इस तरीके से चॉप कर लेंगे। एक बार में ही हमें सब टमाटर नहीं डालने, अब हम दूसरे टमाटर को इसमें डालेंगे और चॉप करने के बाद देखिए जो हमारी चटनी है वो इस तरीके से नज़र आएगी। हमें इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे और कटोरी में निकालने के साथ ही हम इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप एक बार इस चटनी को ज़रूर बनाइए, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। थैंक यू फ्रेंड्स।